योगी जी, मेरा नाम तनु है। मैं दलित परिवार से आती हूँ। वाइफ जी ने मुझ पर छंड लिस्ट हो। मुझे आपके ही लखनऊ में आपकी पुलिस से डर लगने लगा है। कब कहाँ कौन सा पुलिस वाला रोककर तलाशी के नाम पर पूरा सरूर ठटोल दे। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बीजेपी सरकार का सिर्फ एक ही काम है और वो है जुमलेबाजी। और एक कहावत भी है कि मुंह करे बाता, और तो ये कहावत बिल्कुल बीजेपी सरकार पर फिट होती है। बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, भाषणबाजी, बयानबाजी, बस इसके अलावा तो सरकार का कोई काम ही नहीं है। और ऐसी कंगना रावत जो बीजेपी की सपोर्टर है, घटिया बयान दे रही है लेकिन सरकार चुप है। मोदी जी चुप है, मोदी जी कुछ कहने को तैयार नहीं। एक तरफ तो मोदी जी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल हार चढ़ाते हैं और इधर कंगना रावत जो मोदी की करीबी है वो महात्मा गांधी का अपमान करती है, उनके खिलाफ बयानबाजी करती है। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं कि लखनऊ में यूपी के अंदर यूपी सरकार ने पूरे मुल्क को ऐसा बदनाम किया है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। योगी सरकार भी एक घिनौना और घटिया खेल खेल रही है, खास तौर पर यूपी की महिलाओं के साथ। और सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं, हिंदू बहनें, दलित बहनों के साथ यूपी सरकार खेल खेल रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि यूपी में एक पत्रकार महिला रास्ते से जा रही थी, दलित महिला जो है वो अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर रास्ते से जा रही थी। एक पुलिस वाले ने रोक कर उसको तलाशी लेने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब उसने बताया कि मैं एक पत्रकार हूं, महिला हूं, तब जाके वो वहां से भागी, वो वहां से भागा। वो पुलिस ऑफिसर पुलिस वाला है और इस तरीके से घटिया हरकत वो कर रहा है, आप देखिए। इससे पहले अमित शाह ने लखनऊ में ही ये बयान दिया था कि यूपी में लखनऊ में रात में 12 बजे 16 साल की लड़की गहने लादकर स्कूटी पर अकेली जाएगी तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई देखेगा नहीं, कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। मगर अभी भाषण देने 15-20 दिन गुजरे, आज कल की परसों की न्यूज है कि एक खातून अपने शौहर के साथ, ना उसके पास गहने हैं, ना स्कूटी है, ना रात में 12 बजे वो निकली, बल्कि दिन दहाड़े शौहर के साथ बगैर गहनों के, बगैर स्कूटी के, और आम जनता ने पुलिस वाले से उसको खतरा महसूस हो रहा है। वो डर गई, वो रो रही, उसका बयान आप सुनिए कि वो क्या कह रही है। अच्छा, योगी अमित शाह ने क्या कहा था वो आपको शायद याद नहीं, तो अमित शाह की जुबान से सुन लीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। तो ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, इनके जुमले, इनके भाषण, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं हमारे मुल्क की आम जनता से अपील करता हूं कि आप जब भी इलेक्शन आए याद रखें कि ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, खुसूसर हिंदू महिलाओं से, दलित महिलाओं से, कि आप याद रखें कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, आपका बहुत बड़ा नुकसान है। जो कानून व्यवस्था की बात करते वहां का कानून ही घटिया है, कानून ही दो नंबर है, कानून ही मुल्क में महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। खुद से महिलाएं कानून के रखवालों से सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता से कैसे वो महफूज।